नहीं नहीं तू हो जाने दे, मेरे में ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं।
पाउच कर पाउच तभी तो इसके साथ ही कर लूंगा मैं। चल मैं जा रहा हूँ। अगर वो दोनों साथ में आ रहे होते तो कुछ अच्छा ही करते हैं, तो बहुत ही अच्छा। कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, मुनव्वर ने बहुत ही अच्छे से इस गेम को खेला हुआ है एंड ही हिमसेल्फ इज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय व्हिच केम आउट सो वेल एंड सुपर्ब, आई मीन वेरी गुड एंड ही वेल डिजर्व। सी आई डोंट नो अबाउट दैट बट आई थिंक आई वाज अ पायल सपोर्टर एज अ वुमन, आई थिंक शी वाज टेकिंग अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ और जिस तरीके से उन्होंने अपने लिए फाइट किया है सबने किया अपने लिए, लेकिन I don't know. I just felt something. There was a power in her. That's it. Thank you. बहुत खूबसूरत फीलिंग है ये और पिछले 24 घंटे में चेंज नहीं, मुझे नींद मिली पहली बार। दो दिन से सोया नहीं था तो मैं 4-5 घंटे सो पाया और जो मैंने प्रॉमिस किया था कि ट्रॉफी डोंगरी जाएगी तो मैं आज दोपहर में डोंगरी लेके गया था ट्रॉफी और लोगों का इतना सारा प्यार देख के मैं ऐसा फील कर रहा था कि यार ये सपना ही देख रहा हूँ। तो ये बहुत खूबसूरत फीलिंग है और ये 24 घंटे लाइफ के बहुत चेंज थे कि जहाँ पे ऐसा होता था कि पार्किंग में एक जन आ जाता था कि फ़ोटो ले लो, आज 4 लोग 5 लोग जमा हो जा रहे। तो इट्स लाइक जब भी मदर्स डे वगैरह कुछ होता था मैं कुछ पोस्ट नहीं कर पाता था, मोस्टली मैं बहुत ऐसे टची हो जाता था, मैं चाह के भी पोस्ट कभी नहीं कर पाता था। बट ऑलवेज मैं अभी जब लॉकअप में जब था मैं हमेशा ही मॉम को बहुत याद करता हूँ, बट पहली बार मैंने पब्लिकली ऐसा कुछ मेंशन किया था। तो मैं बस अपनी माँ के लिए दुआ करता हूँ
क्योंकि जब मैं छोटा था उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दिए और मुझे लगता है मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरे मॉम और डैड की दुआओं की वजह से ही हूँ, और जो माँ बाप की दुआ लेता है वो इंसान दुनिया में कहीं भी पीछे नहीं रहता है। तो जस्ट बिकॉज मैंने उनकी दुआएं ली है, बहुत कम मौका मिला मुझे, बट जितना मिला उतना काफ़ी था। डोंगरी पे जाम हो गया था भाई आज, डोंगरी तो पूरा पागल हो गया था, डोंगरी तो एकदम जाम हो गया था, गाड़ियाँ वाड़ियाँ पूरी फुल धमाल थी डोंगरी का। आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वॉज नॉट प्रिपेयर, मैं तैयार नहीं थी इतने कॉन्ट्रोवर्शियल शो में पार्ट लेने के लिए, और दूसरी चीज़ 24/7 कैमराज ऑन यू, और मैं मेरी ट्रांजिशन में हूँ अभी, तो टू बी बेयर टू बी विदाउट मेकअप ऑन अ शो वेयर कैमराज आर ऑन यू एट ऑल पॉइंट्स, मेरे लिए वो बहुत स्कैरी था। एंड सेकेंडली मैं झगड़ा नहीं करती, मैं वैसे इंसान नहीं हूँ, मैं कॉन्फ्रंटेशनल नहीं हूँ, तो जब पता चला कि पायल रात की शो में है और ऐसे बहुत सारे लोग शो में हैं जो झगड़ा करेंगे, तो आई वॉज ऑब्वियसली वेरी स्कैर्ड कि उनका सामना कैसे करूँ, लेकिन आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट इवन आफ्टर ऑल ऑफ दैट मेरे राइट टिल द एंड तक थी, आई वॉज देयर फॉर 10 वीक्स। तो आई थिंक मुनव्वर की सबसे स्पेशल क्वालिटी ये है कि वो सबको मना सकता है, पहले वो सबकी कर सकता है और फिर उनको मना भी सकता है, दैट आई थिंक इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। You know, I am so thankful that I got to do the show and experience Kangna as a professional. With whatever differences I have with her, I still feel that two truly democratic people can live in a democracy like India. Thank you. Just like you wish them, and just say congratulations, because there's nothing more that can be said. It's a milestone for Alt Balaji and MX Player, and there'll be many more seasons, which is like a double celebration today, because not just to celebrate this season, but the fact that there will be so many more seasons now, that we have a new brand, you know, in this space of reality television and OTT. So just a congratulations. I feel I picked on the right person when I went inside to gift my book, Bachelor Dad. I gifted him a book, and because he was the Bachelor Dad of the house, and so aisa lagta hai ki I was lucky for him because he's won now. But I would like to wish all the other contestants who are runners up also, that I would like to wish them and tell them also congratulations, because it's not just about who wins, it's about who gets noticed. So a lot of them have gotten noticed. Who was your personal favorite? I didn't have a personal favorite. I liked each one for a different reason. I liked Saisha, I liked Manavar, I liked Payal, and even Mandana was quite funny and entertaining for the time that she was there in it. Thank you. Hi. Thank you.
It has to be interesting. Yeah. It's by Ekta Kapoor, and I think whatever she does, she's the best in that. And you know, 100 million views in 19 days. I mean, that was the thing, and we achieved being the highest rated show on OTT space. So I'm really super proud of the team and Muktawa, the winner. He's been my favorite, yeah, and I'm happy that he's the winner. Great, yeah, and I think that was the great choice, and she was there, and quite few things learned from her. I think that the whole genre of the show was very new for the Indian audience, and from the very first day I was glued to the screens and really excited. You know, they came up with the real personalities and with their strengths out, and I think that was the best part about it. Yeah, thank you guys. Thank you. I was rooting for Munawwar Faruqi, और मुझे पता था वो पहले दिन से जीतने वाले हैं. I was voting for him, so I'm very happy for him. And lockup is a huge success. तो सारी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं. मेरे फेवरेट शिवम भी थे, but unfortunately वो नहीं जीत पाए. But he'll do very well, and all the best to him. Lockup is लॉकअप बहुत बड़ा ब्रांड हो गया. ये बहुत खुशी की बात है ऑल बालाजी और एमएक्स प्लेयर दोनों के लिए. तो ढेर सारी शुभकामनाएं, और सीजन टू का वेट कर रहे हैं कब आएगा, तो देखते हैं. थैंक यू. अभी यहाँ पे आइए, सामने आइए, थोड़ा इधर आइए, थोड़ा इधर आइए, मैम थोड़ा इधर आइए. हाँ बात सामने लुक सेंटर यहाँ पे आप लुक सेंटर मैम मैम ये लेफ्ट मैडम यहाँ पे एक्सक्यूज मी मैम मैम यो डन गाइस आजा पीछे भाई एंड ही विल आस्क क्वेश्चंस. हाउ वाज माय जर्नी? मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा बैडएस और अत्याचारी थी. ऑब्वियसली जैसे हमारे जेल का टाइटल था वैसी मेरी जर्नी थी, और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, और मैंने एंजॉय किया. एक तो मैं 2 महीने तक लॉकअप में थी, 2 महीने की वीडियोस, इतनी सारी टैग्स वैग्स मैंने थोड़ी बहुत देखी है, लेकिन ज़्यादा नहीं देखा. और मैंने अब तक DMs भी ओपन नहीं किया है, ना मेरा ईमेल चेक किया है. मैं अभी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ. फैमिली के लोग क्या कह रहे हैं, अगर आप ऑब्वियसली वो लोग बहुत खुश है, और वो लोग प्राउड है कि मैं फाइनलिस्ट बनी, क्योंकि उन लोगों को भी नहीं लगा था कि, क्योंकि मैं इतनी फेमस नहीं थी और मैंने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया था इंडस्ट्री में, और फिर मैं फाइनलिस्ट बनी, तो उन लोगों के लिए भी शौक है और मेरे लिए भी. ऐसी
मैंने पहले भी बताया था कि मुनव्वर बैडएस थे लेकिन वो घटिया नहीं है. कुछ कुछ लोग बैडएस बनने के चक्कर में घटिया बन गए थे. तो मुनव्वर एक अच्छा इंसान है. यार ऐसा शो ना कभी बना है ना कभी बन सकता है. हेलो, क्या आपने सोचा था कि आप ऐसी लड़की ऐसे इंसान से मिलोगे जो इतनी खतरनाक है? बताओ बताओ, हम ऑलरेडी बहुत मिस कर रहे हैं. यार लॉकअप मेरे लिए डेफिनेटली एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रही है. ऐसा शो ना कभी बना है ना कभी बन सकता है. और सबसे पहले आई रियली वांट टू थैंक एकता मैम, कंगना मैम, जुल्फी सर, एंडिमॉल, एमएक्स प्लेयर, ऑल्ड बालाजी, ताकि क्योंकि उन लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी. और उसके बाद मैं ऑल दी ऑडियंसेस और सारे मीडिया को थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया. और अगर जब मैं निकला भी था तो सबका दिल जीत कर निकला हूँ. और लॉकअप को मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ. मुनावर ने होमवर्क बहुत अच्छी की थी और वो बड़े नेक दिल बंदा है और सोचता बहुत अच्छा है. रिश्ते उसने बहुत अच्छे बनाए हैं और उसने अपना 100% गेम के अंदर दिया था. और मैं बहुत खुश हूँ जेन्यूनली और दिल से कि मुनावर जीता है. वो डेफिनेटली डिजर्व करता था लॉकअप सीजन 1 एज अ विनर. थैंक यू थैंक यू. I totally love lockup and this is the new trend now, you know, Balaji and Alt have created and Ekta ma'am obviously. It's an amazing show and maine ek bhi episode miss nahi kiya hai. Munawar is well deserving obviously. Munawar has killed it completely from the beginning. Uske alawa mere bahut sare dost the show mein, Shivam, Azma, हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं. सो आई वाज लाइक रियली हैप्पी टू सी ऑल ऑफ देम एंड आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो फॉर श्योर. आई एम सॉरी,
अभी निकली तो निकले वो लोग, तो आज आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी ऑल ऑफ देम, स्पेशली आजमा, क्योंकि मैं उसको बहुत टाइम बाद मिलने वाला हूँ, एंड यू नो हाउ शी इज, सो आई एम लाइक टोटली एक्साइटेड. I think nobody else can actually be such badass and, you know, take this show all together, this badass jail. And Kangana is absolutely a rock star. She's on fire all the time. Thank you so much. Excited. जब मैंने इवन ट्रेलर भी देखा था जब शो स्टार्ट हुआ था, फॉर मी इट वॉज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग शो. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड फाइनली आई एक्चुअली वॉन्टेड टू गो इन साइड एंड सी हाउ इट वर्क्स, बट वो हुआ नहीं. बट आई एम गोना बी हियर एट द पार्टी एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट एवरी वन. यू नो मुनावर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो पहले से उसमें ना पोटेंशियल था. व्हेन आई सॉ, मैंने जब पहला दिन का शो देखा था एंड पहले दिन से ही लगा था मुनावर हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ग्रेजुअली हाउ ही ग्रू एंड हाउ ही बिकेम एट द एंड ऑफ द शो, दैट इज़ ट्रूली अमेजिंग. अबाउट he's very down to earth person, you know, he is always remember his roots and he played his game really nicely and he's very smart and jis this tarike se wo usne apna game khela, that was truly inspired. Can we see you in the next season? I don't know, I can't stay away from my phone, so I'm really a little skeptical about it. I'm always on my phone, so I'm not really sure. We'll do the bites over there. Yeah, sure. लॉकअप वॉज अ वेरी एक्साइटिंग शो, और मज़ेदार बात ये थी कि बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट था उस शो का एंड इट डिड वेरी वेरी वेल एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं भी गया था एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट, और लॉकअप में एक एपिसोड के लिए मैं भी हूँ अंदर, तो बहुत मज़ा आया था सब कंटेस्टेंट्स के साथ. मुनावर में एक स्ट्रैटेजिकली बैड एस फीचर है उसमें, जो उसको पता है वो बहुत साइलेंटली और कनिंगली वार करेगा, सो ही इज़ गॉट दैट ग्रेट फीचर इन हिम. लोका पे पता नहीं, बट ऑल बालाजी के शोज में हाँ जरूर. वेरी सो थैंक यू. Ask the questions, okay. You look in front of the okay, okay. Yeah. Is that your question?
That's it? Okay, okay. I think the concept is really great. That's why people watched it so much. I think it's the only show got so much viewership on web, and it has done a great job on web. So I think people are loving it, and I don't know whether Lockdown 2 is coming or not. I think he's very smart. That's why he won the show. I think Payal was pretty tough competition to have. Sorry? I think she's straightforward. Very straightforward. Jo hai muh pe hai. So I think that's a very rare quality to have, especially when you are captured 24/7. Yes, indeed, Lock Up is a great show. I mean, it's one of its kind. पहली बार OTT पे कुछ ऐसा show आया है, so I think it's a great achievement for especially for the Balaji team, for Ekta ma'am. And मैंने सारे episodes नहीं देखे हैं, but whatever I have seen, I think it's a great cast. The queen in herself was there, so I think it's a great success, and we are looking forward for more seasons. यार मैंने अभी बोला मैंने सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं, बट फॉर मी मुनाव वाज वन ऑफ माय फेवरेट, नॉट ओनली इन द शो बट बिफोर द शो आल्सो. व्हाट एवर कॉन्ट्रोवर्सीज ही वाज गोइंग ऑन, हाउ ही इज वोकल अबाउट हिज लाइफ, हाउ ही इज वोकल अबाउट एवरीथिंग अबाउट हिमसेल्फ, सो आई थिंक ही इज अ डिजर्विंग विनर फॉर श्योर. आई लव प्रिंस. I love Prince. He was a very late entry. Apart from that, I feel Prince was a great contestant. I think Ali was very good. He's my friend also, so I would definitely support him. So yeah, these are the people for me which worked very well. See, she's a queen. You don't really have to say anything. We are nobody to say anything about her. But I think she has done an impeccable job being as a host. She looked beautiful, she looked amazing, and again, we see the controversies have been happening around her name before the show, so I think she has kept up to those controversies, and she has really fulfilled great job as a host, so I would really love to see her in the coming seasons as well. All right, thank you so much. अरे मैं कैसे बता के तुम्हें, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका गेम और
वो बहुत ही फन थे शो में और उन्होंने बहुत एंटरटेन किया सबको. और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनकी एनर्जी एक ही लेवल की रहती है. शिवम इज़ वन ऑफ देम जिनकी एनर्जी हमेशा से सेम सेम फायर. क्या क्या किस चीज़ में चाहिए मुझ में पूरी दुनिया में मेरे आसपास हुई है. बट देखो जो मेरा सपना था मैंने रियलिटी शो में भी बोला है कि मीडिया प्रेस हर कोई इम्प्रेस. तो मैं जो मैं ये चकाचौंध देख रहा हूँ इसी चीज़ के लिए तो मैं आया था बॉम्बे में. अब कल मैंने देखा इतने सारे लोग मुझे प्यार दे रहे हैं दुलार दे रहे हैं तो मैंने पकाया था एक घंटा खड़े होकर डेढ़ घंटा सबको मैंने टाइम दिया कि मुझसे कुछ छूट ना जाए मुझसे कुछ छूट ना जाए जो मैं आप तक पहुँचा ना सकूँ. बस ऐसी ज़िंदगी जी है और आगे भी जी रहे हैं और ये सब ये सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है इतने सारे माइक्स आगे बेसिक स्टार्टिंग है ये. जो अच्छा मुनव्वर की ऐसी क्वालिटी जो जिससे वो विनर बना उसकी माइंड गेम्स है अच्छी माइंड गेम्स खेली है उसने. और मैं जो हूँ मैं भी बैडेस्ट मुझसे ज़्यादा बैडेस्ट कोई नहीं था पर क्योंकि उसको जो उसका जो गरीशन था वो नहीं दिखा पाया. बट क्योंकि उसकी माइंड गेम्स अच्छी थी इसलिए वो ज़्यादा अच्छा बेहतर प्लेयर है क्योंकि वो एक रियलिटी शो है एक गेम शो है. तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर विनर्स वो होते हैं जिनकी माइंड गेम भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है. मैं लोगों का मनोरंजन करता आया हूँ और एंटरटेन किया है मैंने दुनिया को और मैं लोगों को हंसाने में ज़्यादा मैंने विश्वास रखा भले कि मैं ज़्यादा गेम खेलूँ मेरा गेम पे ज़्यादा ध्यान नहीं था. मेरा एंटरटेनमेंट जो दुनिया है कि ऑडियंस जब टीवी ऑन करे तो हंसे वो लोग हंसे मुझे देखकर बस और कुछ नहीं मैंने और कोई गेम नहीं खेली है मैंने दैट्स इट. पी आर टीम रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आपको वोटिंग चाहिए ज़्यादा अब मेरा तो फर्स्ट कैप्टिव रियलिटी था. अगले में जाएंगे महादेव ने चाहा तो बिग बॉस में भी ज़रूर आएंगे और उसमें हम अच्छी पी आर टीम रख के आएंगे ठीक है ना. थैंक यू. शीज़ एन अमेजिंग होस्ट बहुत अच्छी होस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है हर चीज़ वो तरीके से करती हैं और मुझे नहीं लगता कि उनके अगर उनके अलावा कोई और मुझे नहीं लगता कि कोई और इस शो को होस्ट कर सकता था उनकी जगह कोई नहीं ले सकता. शी इज़ दी बेस्ट. थैंक यू गाइज आई लव यू ऑल. Well, my name is Aman Maheshwari and I'm already, I've been a All Balaji product. So I've been following this and I think this time it was one of the most wonderful show because it was quite engaging. बहुत ज़्यादा मज़ा आया था और contestant भी काफ़ी मतलब because it's on OTT तो काफ़ी खुल के बात कर पा रहे थे and काफ़ी realistic लगा मुझे because सबका जो character and everything was just coming out really well and I think it's one of the nicest show and होपिंग कि इसका जो सीज़न टू आएगा वो और भी अच्छा होगा. आई थिंक एज वी सीन द हैशटैग द सिंगल मैन आर्मी दैट जितना भी प्रेशर आया उस पर बट स्टिल यू नो ही सेल थ्रू इट और काफ़ी फैंटास्टिक द रियल कैरेक्टर्स देयर से यार. ओ वाओ आई बीन ऑलवेज अ कंगना फैन एंड शी वॉज राइट देयर ऑन द फेस मतलब कोई फिल्टर्स नहीं कोई कुछ भी नहीं. So I think it was one of the nicest show and hoping to see some more games. Thank you. क्या भैया
Madam, what do I don't think I should answer this question. You'll be the best person to answer. Question nahi samajh kya bola? Tell us something about the show. Is show is good? Well, it's the number one show in the country right now, and it's done really, really well. We crossed 13.1 million views, live views, yesterday, and you know, we are very, very happy. Hence the success party. Hum success party bahut pehle karna chahte the, but we obviously had to wait for the caddies as well. And you know, the finale. We'll be very happy with the outcome, and just everything about the show, the format, the way it's done, really, really well. Very happy. And what do you want to say, Munawar? I love what's happening with Munawar. I saw all the posts and everything on social media. He's taken the trophy to Dungri, and that's what he had promised his fans. And I'm very proud of the fact. Munawar has, of course, won the show, and you know, he was all of our favorite. But at the same time, there's Shivam, there's Payal, there's Prince. Everybody, you know, got together and made the show what it is. And so, you know, the credit goes to all. But of course, Munawar winning the show for first season of Lockup, I think that's pretty badass. And what was the best part of Munawar that made him win? I think Munawar had a lot of soul in the way he played. He had leadership qualities. He was, he was just alone, and he figured out his game. And most importantly, it was the public support that Munawar got. It was not less than an uproar. Thank you. Aayega wapas aayega. Aayenge wo. You come by. They were just waiting for you. Done, guys. Yahi aa raha hai, yahi aa raha hai. Sir, sir, sir. एक्चुअली दिस इज़ दी ओनली शो यू नो जो मेरे सारे को एक्टर्स बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे थे. आई बीन हियरिंग अ लॉट अबाउट शो, और मुझे भी जब भी टाइम मिल जाता था तो मैं देखता था ऑब्वियसली लॉकअप. एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि ये शो एक्चुअली जो बाकी कॉन्टेस्ट मतलब जो बाकी कॉन्सेप्ट है शो का, जो रियलिटी शोज का, उससे थोड़ा अलग था, थोड़ा रॉ था. तो उसे देखने में ज़्यादा मज़ा आता था. एंड मैंने तो कुछ दिन पहले ही कहा था यू नो दैट आई जस्ट विश दैट मुनावर जीते ये शो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू मुनावर फॉर विनिंग दिस शो. एंड यप, कंग्रेचुलेशंस टू एंटायर टीम एंड एकता मैम. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. First of all, after 2 months, I'm actually seeing media. It has been a while that I haven't seen you guys, so I missed you. About the show, it has been a gorgeous experience that I've got.
I didn't expect it, the kind of love that I'm getting from everyone. Bahut bahut pyar mil raha hai sabhi logon se. Thank you for loving me. अभी और अच्छी लग रही है ना. मुनव्वर बहुत ही ज़्यादा डिजर्विंग था टू विन दिस शो. इनफैक्ट जब मैं बाहर निकली, जब मैं लॉग आउट हुई थी I remember telling this to every media guy, you know, whoever I would speak to, all my friends. I would say that, you know, Munawar will win. I assume that, and I'm happy that my friend won. Done?